साथियों नमस्कार। आज जो महरौली में डेमोलिशन एक्सरसाइज डीडीए का चल रहा था उसके बारे में कुछ और जानकारी साझा करना चाहता हूं। कल जो एलजी साहब के ऑफिस से डीडीए को आदेश दिया गया कि भाई डेमोलिशन बंद करो, क्योंकि डिमार्केशन रिपोर्ट जिसके आधार पे डेमोलिशन चल रहा था उसे दिल्ली सरकार ने सेट असाइड कर दिया है क्योंकि वो त्रुटिपूर्ण है और इसी कारण से क्षेत्रीय विधायक नरेश यादव जी की पूरी जंग, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का साथ और हमारा संघर्ष एक उस मुकाम पर पहुंचा जहां हजारों लोगों का आशियाना उजड़ने से बच गया। आज मैंने फिर चिट्ठी लिखी है और उसकी रिसीविंग करा के आया हूं, देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती एलजी साहब कर रहे हैं। रेवेन्यू एज ए मैटर ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है, मतलब रेवेन्यू विभाग एलजी को अकाउंटेबल नहीं होगा, रेवेन्यू विभाग जनता के द्वारा चुने हुए सीएम को अकाउंटेबल है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अकाउंटेबल है। तो हमने मीटिंग के दौरान भी कह दी, जब 13 फरवरी को मीटिंग हुई थी, कि आपके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, यानी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, जिस पे आप एकाधिकार रखते हैं, आप जो मर्जी चाहे करें, लेकिन रेवेन्यू ऑफिस का दुरुपयोग आपने चीफ मिनिस्टर को बाईपास कर दिया, आपने राजस्व मंत्री को बाईपास कर दिया और डायरेक्टली डीएम से आपने एक ऐसा डिमार्केशन रिपोर्ट बनवा लिया जो आपको सूट करता था। और बता दूं एलजी साहब कि वो डिमार्केशन रिपोर्ट पिछले डिमार्केशन रिपोर्ट से इतना बड़ा अंतर दोनों में है कि जो लाइन ऑफ डिवीजन है वो पिछले डिमार्केशन रिपोर्ट में गैर आबादी इलाके में था, जो आपने गैर आबादी से उठा करके आबादी में करवा लिया नए डिमार्केशन रिपोर्ट में, जिसके कारण ये तोड़फोड़ हुई। इसलिए मेरे चिट्ठी का पहला यही उनसे अनुरोध है कि संविधान की इज्जत करें, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की इज्जत करें, गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली एक्ट की इज्जत करें और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय साहब सब कहा है कि 3 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट माननीय मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं और उन्हीं को एकाधिकार है इस पर फैसला लेने का, उसकी इज्जत करें और कोई भी डिमार्केशन संबंधित काम हो, राजस्व विभाग संबंधित काम हो, तो वो माननीय मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के सदस्य माननीय कैलाश गहलोत जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनके थ्रू ही होना चाहिए। और एलजी साहब ने कल अपने ऑफिस का राजनीतिक दुरुपयोग किया कि उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में ये बात कह दी कि रेवेन्यू ऑफिस के द्वारा बना गया डिमार्केशन रिपोर्ट ये केजरीवाल गवर्नमेंट का था। मतलब स्ट्रैटेजी वो बनाए कि बाईपास करके बनाएंगे, एक मुख्यमंत्री को नहीं बताएंगे, राष्ट्रमंत्री को नहीं बताएंगे और जब ये उन पर उल्टा पड़ जाए तो दोषारोपण करवा देंगे मुख्यमंत्री पे, ये बात हमने अपने चिट्ठी में कही है। दूसरी बात हमने ये कही है कि जो डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी था, फ्लॉड था, गलत था, जिसको हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, अगर वो पहले दिन ही मान लिए होते माननीय एलजी साहब तो 5 दिन जो हजारों लोगों के आशियाने उजड़े हैं वो नहीं उजड़ता। बात वही मानी जो माननीय केजरीवाल से पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिद में भाजपा के निर्देश पर 5 दिन डेमोलिशन खूब दबा के हुआ, लोगों के आशियाने उजड़े और वही बात मानी जो हम कह रहे थे कि डिमार्केशन रिपोर्ट गलत है, गलत है, गलत है, जानबूझकर गलत बनाया गया है और वो इल्लीगल था, अनलॉफुल था, इस आधार पे उन्होंने डिमोलिशन रोका। तीसरी बात कि जिनके आशयाने उजड़ गए, चूंकि डिमार्केशन रिपोर्ट तो गलत साबित कर दिया आपने, हमारी बात मान ली, तो जिनके अगर आप पहले दिन रोक लिए होते तो उनके नहीं उजड़ते। अब जिनके आसानी उजड़ गए तो उनको रिहैबिलिटेट करने का पूरा दायित्व आपका है, कंपेंसेट करें, उनके आशियाने वापस दें
और जब तक आशियाना ना दे सकें उसमें वक्त लगेगा, तब तक आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लें, टेंट लगवाएं, सुविधा करवाएं और जो कुछ भी करना हो उनको इस प्रकार सुविधा पहुंचानी हो करानी पड़ेगी सर आपको, क्योंकि आपके आदेश से उनके आशियाने उजड़े हैं। चौथा, जब ये दोबारा डिमार्केशन होगा तो वैसे तो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अर्बनाइज्ड विलेजेस में लागू नहीं होता, तो डीएम का ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस को डीडीए मिसयूज ना करे अपने हिडन पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आपके जरिए और भाजपा आपके जरिए, और अपने आप उसी एजेंसी को एंगेज करे और अपने आप कानूनन तर्कसंगत डिमार्केशन कराए। लेकिन अगर आपने हमारा रेवेन्यू ऑफिस यूज करवाया तो कृपया करके जो तीन नियम हैं, पहला कि जो असली लाइन ऑफ डिवीजन है जो अभी आपने मूव करा दिया था फ्रॉम गैर आबादी टू आबादी, उसको वापस ओरिजिनल शेप में लेके आए। दूसरा, जो क्षेत्रीय लोग हैं जो वहां रह रहे हैं सबको सम्मिलित करें पूरे प्रोसेस में, उनको मौका दें, अपने ऑनरशिप प्रूफ करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। और तीसरा कि जब डिमार्केशन रिपोर्ट फाइनल करें तो उसको आप पब्लिक करें स्क्रूटनी के लिए। ये चार मांगे हमने रखी हैं और इसका मैं चाहता हूं कि एलजी साहब इसका संज्ञान लें और इस पर एक्शन लें, क्योंकि एलजी साहब जनता ने वोट केजरीवाल जी को दिया है, आपको नहीं दिया है। जन महरौली की जनता ने वोट नरेश यादव को दिया है, सोमनाथ भारती को दिया है, आपको नहीं दिया है। डेमोक्रेसी इलेक्टेड से चलती है, सिलेक्टेड से नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।